हैं खुशी की एंगेजमेंट और आज आए हैं चाची के घर में और अभी हम लोग जाएंगे गेस्ट हाउस, पहले जाएंगे पार्लर, उसके बाद में खुशी को लेके जाना है। लेकिन गाइस हम नहीं जा रहे हैं खुशी के साथ में, ये बहन जाएगी। अभी खुशी को शिवानी के साथ भेजते हैं रेडी करने के लिए। इधर आना खुशी, देखे मेहंदी दिखाना खुशी। देखे तुम्हारी मेहंदी का ऐसी कलर कैसा आया है, देखे। हाँ देखे खुशी, हाँ जल्दी जाओ रेडी होने जाओ, फिर वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड अब खुशी जाने वाली है पार्लर और हम लोग भी जा रहे हैं रेडी होने। मेरा तो वैसे भी हम यहीं पे अभी रेडी हो जाएंगे अच्छे से और फिर अब आप लोगों को मिलते हैं गेस्ट हाउस में, दिखाते हैं वहाँ पे कैसे क्या होगा। छोटा भाई और ये है अमय, अभी ये सारे बच्चे रेडी नहीं हुए हैं, अभी सब रेडी होके सभी लोग जाएंगे गेस्ट हाउस। अब हो गए हैं रेडी, अब जा रहे हैं गेस्ट हाउस के लिए। ये मेरी भतीजी है, ये भी रेडी हो गई है और वहाँ पे वो अभी सब लोग आ रहे हैं, हम सब लोग एक साथ जाएंगे और अब रेडी हो चुके हैं। और ये देखो ये रिया आ चुकी है, ये भी रेडी हो गई है। रिया रेडी हो गई ना? हाँ रेडी हो गई। हाँ चलो ठीक है, चलते हैं अभी हम लोग रेडी हो के, अभी जा रहे हैं गेस्ट हाउस के लिए, निकल रहे हैं। अभी मम्मी सब लोग आ रही हैं फिर हम लोग। तो फ्रेंड अब हम रेडी हो चुके हैं और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं। वैसे हम खुद से ही रेडी हुए हैं, अभी सैलून तो जा नहीं पाए, अभी मम्मी के घर आए थे इस वजह से यहाँ पे गांव है तो अपने आप से ही रेडी हुए हैं। ये मेरी बहन आ रही हैं, ये इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, कम से कम 5 बार मेकअप किया इन्होंने आज, तब जाके फाइनली गाइस अब मेकअप हो पाया है। खुश हो? इतना मेकअप मेरा खराब हो गया था कुछ कहने को नहीं। हाँ सब लोग जा चुके हैं, आप देख रहे हैं सिर्फ हम बचे हैं और ये बच्चे बच्चे हैं और ये बहन बच्ची है और भाभी का वेट कर रहे हैं। आज इन लोगों का मेकअप इतना होते 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 पता नहीं कब तक होगा। अब चलो देखते हैं, पार्टी बचती है कि सारी फिनिश हो जाएगी, क्या होगा क्या होगा। आस्ता आस्ता फिनिश हो जाएगा, हम लोग यहीं पे अभी रुके हुए हैं, क्या करें। पहले इनका मेकअप ख़राब हो गया, अब वो आ रही हैं, उनका मेकअप ख़राब हो गया था, पता नहीं ये लोग कैसे मेकअप करते हैं, फिर कहते ख़राब हो गया ख़राब हो गया। तुम्हारा मेकअप अब ठीक है कि नहीं? 3 घंटे लगाई हो, 3 घंटे मेकअप करने में। कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल थक चुके हैं। अब वो भाई मेरा कम से कम 2, हाँ वो भाई मेरा देखो बैठा है 2 घंटे से। हाँ कौन वाला बच्चा? ये वाला बच्चा है, ये वाला बच्चा। अच्छा और वो मेरा भाई कम से कम 2 घंटे से भाभी का वेट कर रहा है, अभी यहाँ ही नहीं है, कह रही है मेकअप कर रहा है मेकअप कर रहा है। अब देखो देखते हैं कैसा मेकअप है। अब फाइनली बैठ चुके हैं सब लोग, अब ये भी आ चुकी हैं, कम से कम 2 घंटे इनका, हाँ 2 घंटे इनका मेकअप हुआ है, थक चुके हैं गाइस। हमारा मेकअप तो 5 घंटे पहले हो चुका था, इन लोगों ने बहन ने और भाभी ने बहुत ज़्यादा आज टाइम लगाया है, पहले मेकअप किया फिर रिमूव किया फिर मेकअप किया फिर रिमूव करके अब आई हैं ये मेकअप करके दोबारा। तो चलते हैं अब गेस्ट हाउस में मिलते हैं। अब तुम्हारा मेकअप कैसा लग रहा है, ठीक है रिंकी? अच्छा चलो ठीक है, फाइनली अच्छा हो गया मेकअप तुम्हारा। एंड मेरे गांव की है एक छोटी सी बाजार, यहाँ पे छोटी सी बाजार लगती है जो थोड़े से सब्जी फल वगैरह छोटे मोटे कपड़े इस टाइप का सामान मिल जाता है। और ये देखिए कितने सारे कुरकुरे टांग रखे हैं, गेस्ट हाउस। और
रस्म हो रही है। तो फ्रेंड अब हम लोग नाश्ता करके आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। ये देखिए सब लोग नाश्ता कर चुके हैं। और अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है, उसी के उसमें बैठे हुए हम लोग वेट कर रहे हैं। लड़के वाले आ रहे हैं, अब गोद भराई की रस्म होगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड अब पंडित जी पूजा करा रहे हैं। इसको हम लोगों के यहाँ सनातन धर्म में परीक्षा बोलते हैं। अब ये लड़के की परीक्षा हो रही है। ये बहुत ही पुराने पंडित जी हैं हम लोगों के, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। गाइस आप देख सकते हैं ये खुशी रेडी होके आ चुकी है, अब वेट कर रही हैं, बस कुछ ही पल बाकी रह गए खुशी। हाँ शिवानी तुम्हारा मेकअप किसने किया है? अच्छा अच्छा लग रहा है तुम्हारा भी मेकअप। गाइस आप देख सकते हैं ये है छवि, जो इनकी बार बार हेयर स्टाइल ख़राब हो रही है और इनकी हेयर स्टाइल में हो गया पोपट। लाइए हम सही कर दें। हाँ ये देखिए ये सारी खुशी की फ्रेंड है, ये सारी खुशी की फ्रेंड है जो सखियाँ हैं। जब जयमाल होगा ना तो ये सखियाँ सब आगे चलेंगी। अभी ऐसे बैठी है, फिर सब लाएंगे भी दिखेंगे यहाँ। वैसे आज तो बहुत भराई है, अब बस थोड़े ही दिन बचे हैं। सब आएंगी शादी में। और ये मामी हैं देख सकते हैं आप, सबसे बाद में आएंगे। हाँ खाना मिला, नाश्ता किया कि नहीं? नहीं किया है, किया है? अच्छा रोचना वगैरह हो चुका है लड़के का, और ये देख सकते हैं आरती वगैरह भी हो गई है। अब लगभग पूजा कंप्लीट होने वाली है। अब ये देखो, ये देख सकते हैं परीक्षा के टाइम में सब लोग देखे, सब अपने अपने में बिजी हैं। कोई बातें कर रहा है, कोई पूजन देख रहा है। ये देख सकते हैं अब फ्रेंड जा रहे हैं एंगेजमेंट के लिए, खुशी को लेके। जिसकी एंगेजमेंट होनी है उसका नाम है खुशी, जो ये मेरी बहन है। अब इसको लेके जा रही है इसकी मम्मी। जाओ बेस्ट करते हैं, बहन लग रही बड़ी बहन रचना चाची। फ्रेंड ये देख सकते हैं रिंग सेरेमनी के लिए, ये रिंग रखने के लिए आया हुआ है मेरी ब्राइड। अब इसकी गोद भराई की रस्में स्टार्ट हो गई है। आप गाइस देख सकते हैं, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कितनी सुंदर कितनी अच्छी सी लग रही, क्यूट सी। फ्रेंड देख सकते हैं खुशी और खुशी के हस्बैंड जी, होने वाले हस्बैंड, बस होने ही वाले हैं। दोनों लोग खड़े हैं अब रिंग पहनाने के लिए। ये देख सकते हैं बहुत ही खुशी खुशी मुद्रा में खुशी खड़ी हुई है। ये फ्रेंड वो घड़ी आ चुकी है, ये देखिए दोनों लोगों की रिंग रखी हुई है। अब लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। खुशी बस फूल लिए खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं। अरे हमारी तरफ से एक ले लो। देख सकते हैं गाइस अब लड़का बिल्कुल मेरी खुशी को प्रपोज करने वाला है। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये मेरी बुआ को भतीजा प्रपोज कर रहा है। आप गाइस देख सकते हैं, ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पल है। ये देखिए एक्सेप्ट करो भाई बुआ, एक्सेप्ट करो बुआ। हाँ 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 अब ये देखो बुआ और बुआ का भतीजा खुशी को आशीर्वाद देने के लिए गए हैं। हाँ बहुत खुश हैं, आज इसने प्रपोज भी किया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड अब रिंग सेरेमनी हो चुकी है और सब लोग लड़की और लड़के को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब लोग देख सकते हैं ये सभी लोग आए हुए हैं स्टेज पे और सब लोग लड़के और लड़की को आशीर्वाद दे रहे हैं।
करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग डिनर कर रहे हैं। डिनर किए ले रही है ये मेरी बुआ, ये बहने बहने और हम सभी को। ये मेरी रुचि बहन है, रुचि, ये मेरी रुचि बहन है और देखो अकेले अकेले डिनर किए ले रही हैं। हैं हम ढूंढ रहे थे सभी को, कहाँ सब लोग गए। हाँ और हम अकेले फ्रेंड बच्चे हैं और मुझे बहुत भूख लगी है और इन लोगों अकेले अकेले खा लिया है। मम्मी जा रहे हैं डिनर करने। हाँ और खुशी, संदीप भैया जी आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, मुझे भी आज बहुत खुशी हो रही है और आप दोनों लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। मुस्कुराते रहते हैं। हाँ और तुम्हें भी हमेशा खुश रखेंगे, ऐसे मुस्कुराते रहते हैं तो तुम्हें भी खुश रखेंगे। ठीक, कैसा लग रहा है आज वैलेंटाइन डे के दिन पे तुम लोगों की? हाँ तुम लोग कैसे? मेरे हस्बैंड है, शादी होगी 2 महीने बाद। हाँ अब आप लोगों को 2 महीने बाद कब लोग दिखाएंगे इन लोगों की शादी पे? कुछ नहीं शर्माते हैं, नहीं शर्माते हैं। बाय बाय। मैंने ये डिनर लगा लिया है, अब जा रहे हैं टेस्टी टेस्टी डिनर करने। ये फ्रेंड आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे आज किसी का बर्थडे भी था तो उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है। फंक्शन वगैरह हो गया है पूरा ओवर, सभी लोग अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं और हम लोग भी अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।